Good morning everyone. So today we start with chapter 1, class 10, chemical equations and reactions. So what is a chemical reaction? First question came is, what is a chemical reaction? So chemical reaction is a process in which one or more substances react to form some other new substance. So it is a process in which one or more substances reacts to form some other new substances. Okay, so in chemical reaction, what is going on? It is a process in which one or more substances, एक या उससे ज्यादा substance जो है वो react करते हैं other substances से, जिससे कि वो एक नए substance को form कर पाए. And on the other hand, what is a chemical equation? Second question is chemical equation. So chemical equation क्या होती है? Chemical equation shorthand notation होती है. Shorthand notation है of actually occurring chemical reactions. इन टर्म्स ऑफ, कौन से टर्म्स में होती है ये? सिंबल्स के, फॉर्मूलास के और रेशो के ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए. और केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है जो कि एक्चुअली अकरिंग केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके टर्म्स में. और ये किसके थ्रू होती है? फॉर्मूला, सिंबल्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के. देन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए किसके? प्रोडक्ट्स के. और कंप्लीट बैलेंस जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को और कंडीशंस को जिसमें कि रिएक्शन अकर हुआ है. तो तीन चीजों पे करती है. कंडीशन 3 है, फर्स्ट रिएक्टेंट्स होने चाहिए उसमें, सेकेंड प्रोडक्ट होने चाहिए उसमें और थर्ड कंडीशंस जिसके अंदर रिएक्शन हुए हैं, रिएक्शंस अकर. ओके, सो ये चीज आपको याद करने की जरूरत है. इन द केमिस्ट्री यू हैव टू लर्न द सिंबल्स, फॉर्मूलास एंड मेनी अदर थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट चार तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन का मतलब है दो या उससे ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करेंगी या कंबाइन करेंगे एक दूसरे से तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे
तो होंगे केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे CaO प्लस H2O दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH twice. तो CaO तो हुआ क्या, क्विक लाइम. जब क्विक लाइम को और वाटर को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम. ओके, तो आप एग्जांपल्स भी याद करने हैं इसके साथ में. सेकेंड इज दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, जब कोई सिंगल सब्सटेंस जो है, अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वो होगा डीकम्पोजिशन. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब सिंगल सब्सटेंस जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस में सिंपलर सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, तो उसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल CaCO3 विच इज लाइमस्टोन, इसको हीट करा, व्हेन इट इज हीटेड तो ये क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस CO2 गैस, तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड 2AgBr विच इज Ag सिल्वर एंड Br इज ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हीट करेंगे, सनलाइट करेंगे, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या बनेगा वो, 2Ag प्लस Br2, तो सिल्वर और ब्रोमीन ये दो फॉर्म हो जाएंगे. ओके, सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं नए सब्सटेंस को बनाने के, उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंगल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द सेकेंड, जिसमें डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस जो है वो डीकम्पोज हो जाता है दो या उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जब एक या वन और मोर एटम जो होंगे या ग्रुप ऑफ एटम जो होंगे, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है किसी भी कंपाउंड के, वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे अनदर एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, तो वो क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि एक या उससे ज्यादा एटम हुए या दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स हुए, उनको रिप्लेस कर दिया एक या उससे अदर ग्रुप ऑफ एटम्स ने, तो होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu. तो Fe तो क्या होता है, आयरन, Cu इज कॉपर, S इज सल्फेट, तो क्या बनेगा ये, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड जो है, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने आयन्स को न्यू कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 जो है, उसको अगर BaCl2 से एड कर दिया तो क्या फॉर्म करेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl. तो Na2SO4 क्या हुआ, सोडियम सल्फेट, Ba क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा इससे, बेरियम
सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, सो ये चार तरह के रिएक्शंस हो गए इसके, केमिकल रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंपाउंड रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट इज द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? वो रिएक्शन जिसमें हीट जो है, इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो गिवन आउट होगी विद द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के साथ जो रिएक्शन हीट गिवन आउट होगी उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगे? जिसमें कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, इसमें हीट क्या हुआ? हीट गिवन आउट हुई और इसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन अनदर टर्म इज रिडॉक्स, जिसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स, जो कि बनता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से, इन दो के रिएक्शन से जो बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स gain of oxygen and loss of hydrogen. Okay, तो oxidation reaction क्या होता है? वो process जिसमें involve होता है gain होता है oxygen का और loss होगी hydrogen का। और reduction reaction क्या होगी? जिसके अंदर gain होगा hydrogen का और loss होगा oxygen का। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होती है। तो रिडॉक्स में क्या आता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिक्स करके बनता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर गेन होता है ऑक्सीजन का और लॉस होगा हाइड्रोजन का। और रिडक्शन रिएक्शन वो है जिसके अंदर हाइड्रोजन का गेन होगा और लेस होगी ऑक्सीजन की। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस करेंगे साइमल्टेनियसली, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।